अभी प्रोडक्ट तो मैंने जून में लिया था, अभी समझो 3 महीने हो गए। मुझे तो सिर्फ इनवॉइस का ही ये बोले तो इनवॉइस जनरेट करना, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड का लिंक भेज के पेमेंट रिसीव करना, मैं कोटेशन सेंड करना, बनाना ऐसा। इसको हम कोटेशन सेंड करना, उसके बाद में जो पेमेंट रिमाइंडर है वो भेजना क्लाइंट को, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। हमें देखने की या कॉल करने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली क्लाइंट जो भी रिमेनिंग है वो तो पेमेंट कर ही देता है ऐसा। सबसे अच्छा ये है कि किसका पेमेंट बाकी वो एक ही स्पीड में दिख जाता है, विंडो ओपन करने के बाद एक ही इसमें दिख जाता है कि भाई इनका पार्शियल पेमेंट है, तो अपन इमीडिएटली कॉल कर सकते। पहले अपन बुक में लिखते थे, फिर हर बार वो डेट देखो, फिर कितना पेमेंट बाकी है, फिर उसका कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, फिर बताओ। उससे अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे पता चलता है कि बैलेंस अमाउंट कितना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कितनी हर बार। नहीं ऑलमोस्ट जो मेरे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली तो आपने इसलिए बनाया है, बोले तो जो जीएसटी या कंज्यूमर प्रोवाइड करते, बोले तो सर्विसेज के लिए तो बेसिकली ज्यादा मेरे हिसाब से तो ज्यादा कोई यूज नहीं करता होगा, अगर में यूज होता है या आइटम्स के लिए यूज होता है। कि मैंने जैसे भी रिक्वायरमेंट मैंने रखी आपके टीम के साथ में, तो वो आपके टीम ने फुलफिल कर दी, और जो मुझे चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई इनवॉइस वो आपने वैसा, आपने आपका विंडो वैसा क्रिएट करके दे दिया, मेरा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया।